इतिकाफ के माना होता है धरना मारना, तो मोतकिफ जो होता है वो भी धरना मारने वाला है, इसका मुतालबा अजीब है। ये गोया मस्जिद में आकर पड़ जाता है, धरना मारता है कि या अल्लाह जब तक तू मुझे बख्शेगा नहीं मैंने जाना नहीं, गोया मतलब। तो जब धरना मारा जाता है तो उस धरने के उसूल का भी ख्याल रखा जाता है ताकि मुतालबा पूरा हो ही जाए। तो इसलिए मस्जिद के अंदर जब धरना मारेंगे तो उसके आदाब का भी ख्याल रखेंगे, साथ में उसकी साफ सफाई का भी एहतमाम रखेंगे। कि मस्जिद के साथ वो सफाई का ताल्लुक कि मस्जिद को साफ रखो, खुशबूदार रखो, ये सब हुक्म है, आकाम हदीसों में है, कुरान करीम में भी है कि मस्जिद को साफ रखो उसके लिए, एहतिकाफ वालों के लिए। अगर मुंह में बदबू है किसी के तो मस्जिद का दाखिला हराम। इस तरह पसीने की बदबू आती है बाजों के कपड़ों से, भपके उठते हैं बदबू के, इसको नहीं आएंगे, इसकी नागट गई है, दूसरे को आएंगे, तो उसको एहतिकाफ नहीं करना चाहिए। इस तरह किसी को ऐसा फोड़ा है, शरीयत ने रोका है जिसको ऐसा फोड़ा हो जिसे बदबू आती है या लोगों का घिन आती है, ऐसा कोई मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है। इसलिए वो किसी मरीज को ना लाए, ऐसे जईफ बुजुर्ग को ना लाए कि जो दूसरों का मोहताज हो, बच्चों को उठा लाते हैं, इसी तरह माजूरों को उठा लाते हैं। ये दुनिया भर के लिए मैं कह रहा हूँ, जहां जहां अपने मदनी मराकिज में एहतिकाफ होते हैं कि इस तरह के मोतकफीन से माजरत कर ली जाए अगर पहले से पता चल जाए, और जो लाते हैं अल्लाह करे वो सुन रहे हो, ऐसों को ना लाए। इस तरह मस्जिद का ख्याल बहुत रखें और सफाई के साथ साथ बोलने के ताल्लुक से भी मोहतात रहना। मस्जिद में आकर दुनिया की बातें करना इसकी इजाजत नहीं है। एहतिकाफ वाले को जरूरतन दुनिया की बात की इजाजत होती है, अगर बिना जरूरत करेगा तो इसको इसकी इजाजत नहीं। कि मस्जिद में मुबाह बातें नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को। मस्जिद में दुनिया की बातें 40 बरस के अमाल बर्बाद कर देती है। अल्लाह की रजा के लिए अभी से जहन बनाकर फैजान रमजान में से, फैजान एतिकाफ का बाब है, कुछ सफे हैं फैजान एतिकाफ के नाम से, इसको जरूर पढ़ें। इसको पढ़े भी अगर आएंगे ऐसा लगता है कि बहुत गलतियां करेंगे, और जल्दी भी आए देर से आएंगे तो फैजान मदीना में एक एक आने वाले की चेकिंग होती है, सामान चेक किया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है, तो वो देर बहुत लग जाता है। अगर आपको इतिकाफ फैजान मदीना में करना है तो मेरा मशवरा है कि एक दो दिन पहले आए।